तो देखते हैं रिपोर्टिंग के बाद क्या होता है, इस प्लान में हुआ क्या है। दोस्तों रोड्स बहुत ही कम थे, शायद वीडियो वाइप हो गया था, इस वजह से शायद इसका वीडियो ना आया हो या ना दे पाऊंगा। बट ये तीन पोर्ट में रखा था, पहले प्रोपोगेशन पोर्ट था, उसके बाद दूसरे पोर्ट में और फिर इसके में था, तो फिर रिपोर्टिंग करके इसी में लगा दिया था। इस वजह से यहाँ रूट बहुत कम थे, यहाँ अटैक हुआ है उसको तो ऐसे ही निकाल देंगे। अब देखते हैं कि ग्रोथ कैसा है, तो यहाँ देखेंगे तो ये ज़्यादा बढ़ रही है और इसके अनुपात में यहाँ कम, तो उसको बैलेंस करना है। रिपोर्टिंग के बाद का ग्रोथ आ जाता है, बाद हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ दो ब्रांचे हैं, देख सकते हैं, इन दो ब्रांचों को हमें प्रमोट करना है, तो इन दो ब्रांचों को रहने देना है और इसको निकाल देना है, देख सकते हैं। और ये जो लंबी वाली ब्रांच है उसको, यहाँ बहुत सारे नज़दीक इंटरनोड है तो यहाँ से पिच कर देंगे, तो अब यहाँ बैलेंस हो गया। दोस्तों यही चीज़ ऊपर भी करनी होती है, आप पिंचिंग दे सकते हैं, यहाँ मैं पिंच कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद का जो ग्रोथ होगा उसमें मैं चार इंटरनोड वाली टेक्निक अपनाऊंगा। तो बार बार ये प्रोसेस नहीं करना है, ये दूसरी बार कर रहा हूँ, तो पहली बार भी कहा जा सकता है क्योंकि अभी रिपोर्टिंग के बाद हुआ था वो नहीं गिनते, तो ये पहली बार हो चुका है। उसके बाद चार इंटरनोड वाला मेथड करेंगे, उसके बाद जो भी ग्रोथ आएगा उसमें चार इंटरनोड के बाद हम पिंच करेंगे, फिर उसको ग्रोथ के लिए छोड़ देना है, फिर गुजरते मानसून में ही उसको सेड़ना है, तब जो एक्स्ट्रा ग्रो करवाया वो सब उड़ा देना है, फिर से रिपोजिशन करना होगा। तो चलिए यहाँ भी स्टेबल कर देते हैं प्लांट को, पूरे प्लांट में प्रोसेस कर दिया जाए, इससे आने वाले वक्त में ये अच्छे से ग्रो कर पाए। दोस्तों तो ये कटिंग से हुआ है, दूसरा प्लांट था उसमें से रिडक्शन कर रहा था, अनवांछित ब्रांचें निकाल रहा था, उसमें अच्छी से ट्रेन वाली ब्रांचें थी, तो इसी ब्रांचों को मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। एक दूसरा दिखाता, इसको भी देखिए, ये भी कटिंग से ही हुआ है, इसमें क्रेजी बैंड्स भी लगाया हुआ है, तो इसमें भी आप ट्रिमिंग दे सकते हैं क्योंकि इसका तो मैंने रिपोर्टिंग भी नहीं किया हुआ है। तो यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा और ब्रांचिंग होगी, तो एक छोटा तो सा प्लांट डिजाइन हो रहा है। दोस्तों वैसे स्पीसीज में हमारे यूनिक सिस्टम जो बनाता हूँ उसमें भी अच्छा रिएक्शन है, तो उसमें से अच्छे प्लांट आप बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। लीजिए तीसरा भी आ गया, ये भी ऐसे ही बना हुआ है, उसको भी ट्रिमिंग दे देंगे, कुछ अलग स्टाइल करने की कोशिश में ये बनाया हुआ है। बाद में कैसा निकल के आता है वो तो वक्त ही बताएगा, और वक्त के साथ चलना है, यानी सब्सक्राइब करके चलेंगे तो ये सब देख पाएंगे। दोस्तों तो न्यू ग्रोथ मिल गया है, देख सकते हैं आप, थोड़ा डिहाइड्रेट है। अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ देखना है दोस्तों अनवांटेड ब्रांचों को, जो अनवांटेड ब्रांचें यहाँ देखिए यहाँ भी है, तो ये बार बार करना है दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ देखिए तीन ब्रांच बन गई, हमें यहाँ दो के साथ ही आगे चलना है, तो ये चीज़ें बार बार आपको चेक करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा वाला बोनसाई है जो वो तैयार हो पाता है। दोस्तों तो जंक्शन से एकदम करीब कोई ब्रांच नहीं चाहिए, ये चूँकि नज़दीक लग रही है पर उसको केवल पिंच कर रहा हूँ मैं, तो अनवांटेड ब्रांचें निकालना। और क्या करना दोस्तों आपको बताना होगा, अनवांटेड चीज़ें निकालना है और बैलेंस करना है दोस्तों, ये हमेशा याद रखें। अब यहाँ उस वक्त ट्रिमिंग नहीं किया था शायद, तो अब यहाँ हम बैलेंस कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं, तो इस तरीके से वर्क करते रहना है कंटिन्यूसली। दोस्तों यहाँ कुछ दिनों के बाद हम पिंच करेंगे दोस्तों, और जो छोटे प्लांट पे वर्क किया था देखिए, यहाँ इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, बट एक्स्ट्रा जो ब्रांच है उसको तो हटा ही देना है दोस्तों, तो वर्क करेंगे, कंटिन्यू करना है वर्क,
तभी कुछ बना पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों, ऐसे बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।